अस्सलाम वालेकुम। आज फरोज पीर 11 दिसंबर आरएफआई बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। भारतीय अदलिया के हाथों इंसाफ का कत्ल, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के मामले में फैसला मोदी की मर्जी के मुताबिक सुना दिया, भारतीय हुकूमत का 5 अगस्त का इकदाम दुरुस्त है। एक उम्मीद थी क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। खास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था, लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर कहता हूँ कि इसको खत्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। हुर्रियत रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद थी, 370 और 35 के खिलाफ फैसला नाकाबिले कबूल है, पूरी वादी में फैसले के खिलाफ शदीद एहतजाज। आर्मी चीफ का बतौर सरबरा मुसल्ला फौज अमरीका का पहला दौरा, अमरीकी क़यादत से खत्ते की सूरत हाल और आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल करेंगे। गजा में 250 जमीनी फजाई और बहरी हमले, 300 से ज्यादा अफराद शहीद, शहदा की तादाद 18,000 से जायद, 50,000 जख्मियों के इलाज के लिए अस्पताल नहीं है। गजा पर बमबारी, अक्वामे मुतहदा बेबस, मुसलमान ममालिक अमली इकदामात करने से कासिर, गजा के बासी हमला करने वालों के रहमो करम पर, कैदियों से गैर इंसानी सलूक, ठंडे मौसम में शहरियों को बेलिबास किया जाता है। आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, कोहे हिमालया की बुलंद तरीन चोटियां पाकिस्तान की शान हैं। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की एशिया कप में भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी, भारतीय सूरमाओं को 8 विकेटों से बड़ी शिकस्त। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी हिंदुत्व का शिकार, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत की मनसूखी का हुक्म बरकरार रखा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ऑर्डिनेंस के बाद 20 से ज्यादा दरख्वास्तें दायर की गईं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 16 दिन तक समाअत की। दरख्वास्त में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तकसीम करने के फैसले को भी चैलेंज किया गया था। भारतीय आला अदलिया ने 5 सितम्बर को फैसला महफूज किया था। इस फैसले से भारतीय अदलिया की जानबदारी वाजे हो गई है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी हिंदुत्व के फलसफे पर कार बंद है और वो भारत को एक नस्ली मुतासिब रियासत बनाने में मोदी सरकार के साथ बराबर की शरीक है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम इस फैसले से खुश नहीं है। एक उम्मीद थी क्योंकि कई चीजों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा, जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ये अच्छा बेंच था, लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी को आईनी तौर पर दुरुस्त करार देने के बाद रद्द अमल आना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग कतई अक्सरियत के फैसले से खुश नहीं हैं।
उन्होंने मजीद कहा कि आर्टिकल 370 और 35A खित्ते के लिए तारीखी हैं और खित्ते के जज्बात से जुड़े हुए हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 3-4 माह तक इस पर बहस होती रही है। आर्टिकल 35A जिसे महाराजा हरी सिंह ने बनाया था उस वक्त शामिल किया गया था जब हमारा आईन बनाया गया था, लेकिन ये भी खत्म कर दिया गया है। इससे हमारी मईशत को नुकसान पहुँचेगा, जमीन महंगी हो जाएगी और पूरे हिंदुस्तान से लोग जम्मू कश्मीर आएंगे। हमारी सबसे बड़ी सनअत सियाहत और सरकारी मुलाजमतें हैं, लेकिन अब मुल्क भर से लोग इनके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इससे हमारे बच्चों की बेरोजगारी बढ़ेगी। जब आर्टिकल 370 नाफिज किया गया था, इन तमाम चीजों को जहन में रखा गया था। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय कानूनी माहिरीन भी नहीं मानते। 5 अगस्त का इकदाम भारतीय आईन की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि अक्वामे मुत्तहिदा में भारत ने मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका तस्लीम किया था। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने से मुतालिक भारतीय आला अदलिया का फैसला मुस्तरद करते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर भी जानबदाराना और मुतनाज़ा फैसला दिया था। भारतीय आला अदलिया मोदी के हिंदुत्वा को आगे बढ़ा रही है। आलमी फोरम पर इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी इकदाम किया था। बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में दहशतगर्दी में मुलव्वस भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलसल दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों की सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर रवाना, अहम मुलाकातें भी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर। जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में दौरे के दौरान आला फौजी अफसरान और दीगर हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ का अमेरिका का ये पहला दौरा है। आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे में आला फौजी अफसरान और दीगर सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 15,55,00,000 की मंजूरी दे दी। ADB के एलामिया के मुताबिक मंजूर करदा सरमाए से खवातीन के लिए इस्लाहाती प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए कर्ज जारी किया जा सकेगा। इसमें $10 करोड़ पॉलिसी कर्जा और $5 करोड़ कर्ज फराहम करने वाले इदारों को दिए जाएंगे, जबकि $55,00,000 की ग्रांट भी शामिल है। खुजदार में बम धमाके से CTD के SHO शहीद और 2 शहरी जख्मी हो गए। बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार में सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर बम धमाके में CTD के SHO मुराद जामोट जाबाहक हो गए, जबकि 2 राहगीर भी जख्मी हुए। इससे कबल भी CTD के एक और SHO शरबत खान को भी बम धमाके से शहीद कर दिया गया था। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुकनी ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। वाक़े में मुलव्वस मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जनूबी पंजाब और मुल्क के दूसरे हिस्सों में खाद की किल्लत, कमी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ किसानों और काश्तकारों का शदीद एहतजाज। पंजाब समेत मुल्क भर में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। खाद की बोरी जिसका सरकारी रेट 3,750 रुपए है, ब्लैक में 5,000 से भी जायद में फरोख्त हो रही है। गुज़िश्ता साल यूरिया का सरकारी रेट 2,250 रुपए था। कीमत में इजाफे के बावजूद खाद की स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग का तदारुक नहीं किया जा सका। निगरान वजीर सनअत और तिजारत का कहना है की हुकूमत ने दरामदी खाद के ऑर्डर्स कर दिए हैं। 20 दिसंबर से खाद के जहाज रोजाना की बुनियाद पर पोर्ट पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। 1971 की जंग के हीरो सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 52वां यौम शहादत मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। पाक फौज की अजीम सपूत को जुरत और बहादुरी की आला मिसाल कायम करने पर निशान हैदर अता किया गया था। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर की 52वीं यौम शहादत के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। वो पहले सिपाही हैं जिन्हें ये एजाज मिला। ISPR के मुताबिक 1971 की पाक भारत जंग के दौरान जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर पर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने बिला खौफ और खतर और बेमिसाल जुरत के साथ दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान के ये दरख्शा सितारे जिन्होंने मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान निछावर की, बिलाशुबा इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक हैं। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।